हेलो गाइस, धनंजय हियर एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ डेली टेक बाइट्स विद धनंजय। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी कुछ टेक न्यूज जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ऐसी टेक न्यूज जो आपको पता होनी चाहिए। तो बिफोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज एंड दैट इज बाय Xiaomi। सो Xiaomi ने नया स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ चाइना में लॉन्च हुआ है। अभी तक MI Band 2 भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, तो ये स्मार्ट वॉच इंडिया में लॉन्च होने का वेट करने का भी मत सोचिए। अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, जिसकी प्राइस होगी अराउंड $200। सो 10,000 से 12,000 तक की प्राइसिंग हो सकती है। एंड अगर ये वॉच के पिक्चर्स देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एंड इसके स्पेसिफिकेशंस जो है, 1.2 GHz का सिंगल कोर प्रोसेसर है, 4GB की इंटरनल स्टोरेज है एंड 512MB की रैम है। एंड ये डायरेक्टली Xiaomi ने लॉन्च नहीं किया, Xiaomi के अंडर बहुत सारे सब ब्रांड्स है। कुछ सब ब्रांड्स जो है वो राइस कुकर जैसी चीजें बनाते हैं, कुछ LED स्ट्रिप्स बनाते हैं, लेकिन ये जो सब ब्रांड है उसने Amazfit नाम का वॉच बनाया जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद न्यूज है iPhone 7 के प्राइसिंग के बारे में। तो जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है उसके अकॉर्डिंग चाइना में जो प्राइसिंग होगी, 32GB की प्राइस होगी $790 या फिर ₹53,000। 256GB वेरिएंट भी आने के चांसेस है iPhone 7 और iPhone 7 प्लस के, और उसकी प्राइसिंग होगी $1,060 या फिर ₹71,000। एंड आई गेस ₹71,000 में 256GB मॉडल नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, तकरीबन 80,000 से 85,000 तक तो जाएगा कम से कम। एंड इसके बाद न्यूज है इंटेल की तरफ से। इंटेल ने 7th जनरेशन ऑफ प्रोसेसर्स लॉन्च कर दिया है जो कि होंगे डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल के लिए, और ऐसे बोलते हैं कि 70% तक ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू 5-year-old PC मोबाइल्स में। आई डोंट नो 5-year-old PC के साथ क्यों कंपेरिजन कर रहे हैं, बट एनीवेज ऐसा इंटेल बोल रहा है। एंड ये जो प्रोसेसर्स है इसके साथ जो लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप या फिर मोबाइल फोन्स होंगे वो सितंबर स्टार्टिंग से ही शिप होना चालू हो सकते हैं, ऐसा इंटेल ने बोला है। सितंबर तो कल चालू होगा, तो क्या पता अभी कब आएंगे। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम फोन अरिना दैट Lenovo Z2 Plus माइट बी लॉन्चिंग सून इन इंडिया, विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज इट हैज अ फाइन फुल HD स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर, 4GB ऑफ रैम एंड आई गेस द प्राइसिंग इज गोइंग टू बी अराउंड 20,000 to 25,000, which is going to be great because OnePlus 3 offers almost similar specifications at 27,000. Asus Zenfone 3 offers, no, Asus Zenfone 3 has less specifications for that price in this. But Z2 Plus, I'm surely excited about that. Are you? Let me know about that in the poll which is over here. And जैसे कि मैंने first episode में बोला था कि हर episode में Jio के बारे में बात करना almost compulsory हो जाएगा, तो ये रही जियो के बारे में न्यूज। अगर आपके पास सोनी का फोन है, इंटेक्स का फोन है या फिर वीवो 4G का फोन है तो आप जियो सिम कार्ड ले सकते हो। एंड इतना ही नहीं बल्कि जब जियो सिम कार्ड ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन जब भी लॉन्च होगा तब भी के जो डेटा रेट्स होंगे वो थोड़े से लीक हो गए हैं, जिसमें पता चलता है कि ₹50 में 10GB ऑफ डेटा, ₹100 में 20GB और ₹400 का डेटा पैक करेंगे तो 60GB ऑफ डेटा मिलेगा। ये 91 मोबाइल से इमेज मिली है एंड मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि ये इमेज मोस्ट प्रोबेबली फेक ही होगी। अगर ऐसे इमेजेस आएंगे तो उसमें बिलीव मत करना, आई डोंट थिंक सो दैट दोज आर गोइंग टू बी ट्रू अनलेस एंड अंटिल इट लॉन्चेस। So don't get your hopes too high. After this, we have a news from PhoneRadar.com, which is a extremely good news. ES File Explorer को वो लोग ने पकड़ा है कुछ apps install करते हुए। तो अगर आपके पास ES File Explorer है तो अभी का भी uninstall कर देना, वो File Explorer use करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको File Explorer चाहिए ही अच्छा वाला तो Asus का File Explorer आता है जो बहुत ही अच्छा है, free है, no ads, nothing like that. So Asus का File Explorer यूज कर सकते हो। PhoneRadar वेबसाइट ने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी पोस्ट किए जिसमें पता चलता है कि वो बैकग्राउंड में विदाउट योर परमिशन कुछ एप्स इंस्टॉल कर रहे थे, जो बहुत ही घटिया चीज है। एंड अगर आप ES File Explorer यूज करते हो तो अभी का भी ऐप यूज करना बंद कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए जो करना है, लेकिन बिल्कुल यूज मत करिएगा। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड्स चीपेस्ट फोन Freedom 251, और वो कंपनी ने Freedom 251 कंपनी ने लॉयल्टी प्रोग्राम या फिर रॉयल्टी प्रोग्राम, आई डोंट नो व्हाट्स द फाइनल नेम, बट लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके वजह से आपको फ्री में Freedom 251 फोन मिल सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें खरीदने पड़ेंगी। मेरे दोस्त ने इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया गाइड लिखा है, बहुत लंबा गाइड है, इसमें से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एनीवेज, दिस इज इट फॉर द डेली टेक बाइट्स एपिसोड 2 विद धनंजय। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी देन लेट मी नो अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑन यस्टरडेज एपिसोड वी रिसीव्ड अ वेरी गुड फीडबैक, थैंक्स फॉर दैट, एंड फ्यू सजेशंस वर आल्सो देयर सच एज
इसमें कुछ नया नहीं है एंड ऑल, बट आई विल ट्राई टू इंक्लूड समथिंग, बट आई विल ऑलवेज मेक श्योर दैट ऑल द न्यूज दैट आई टेल यू गाइस इन द वीडियो विच आई अपलोड ऑन एवरी मॉर्निंग मोस्ट प्रोबेबली विल हैव द न्यूज विच आर इंपॉर्टेंट टू यू गाइस. आई वोंट कवर दोज न्यूज विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे वीडियोज हर रोज आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे. तो या थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग.